तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं हो चुका हूँ कम्प्लीटली रेडी जिम निकलने के लिए। प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, जो भी मेरा प्रिपरेशन रहता है सब कुछ रेडी कर लिया हूँ। प्री वर्कआउट में मैंने खा लिया बनाना एंड थोड़े पीनट्स खा लिए थे रोस्टेड। सो और प्री अपना जो प्री है लिक्विड वो पैक करके रेडी करके मैं लेके जा रहा हूँ जिम। जिम जाने के बाद पीऊँगा। और जो हमारा पोस्ट वर्कआउट रहता है क्रिएटिन, वो भी मैंने पैक करके बॉटल में रख लिया, वो भी जिम लेके जाके जिम होने के बाद वर्कआउट होने के बाद खत्म मैं पीऊँगा। तो चलते हैं अभी बड़ा जिम और चल के हिट करते हैं आज जो भी वर्कआउट सेशन है और मिलता हूँ आप लोग से सीधा जिम चलते हैं। सो गाइज, आज के चेस्ट एंड ट्राइसेप वर्कआउट का पहला वेरिएशन मैं ले रहा हूँ स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन बारबेल प्रेसेस। और क्योंकि स्मिथ मशीन है सो मैं हैवी जा रहा हूँ, 15 kg सेल्फ परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे पहला सेट। इसके बाद मैं सीधा लूँगा 20 और थर्ड सेट होगा हम लोग का 25। सो अब से मैं सोच रहा हूँ ना इंक्लाइन बारबेल प्रेसेस के लिए मैं स्मिथ मशीन ही प्रेफर करूँ। खाली नहीं रहेगी, थोड़ा वेट करूँगा लेकिन स्मिथ मशीन पे मारूँगा। मुझे अपने इंक्लाइन पे बहुत काम करना है बिकॉज इंक्लाइन चेस्ट अच्छी दिखेगी तो बाकी पूरी चेस्ट का फिजिक लुक अच्छा दिखेगा। सो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड वेरिएशन पे जो होगा हमारा केबल फ्लाइज। और केबल फ्लाइज के भी मैं लूँगा 3 वेरिएशन और इसमें मैं 20 kg ही परफॉर्म करूँगा, कोई वेट कम या ज़्यादा नहीं करूँगा बिकॉज 20 kg मेरे को एक स्टेबल अच्छा स्ट्रेच देता है वेट। सो इसके भी लेंगे 3 सेट और फिर बढ़ेंगे ट्राइसेप एक्सरसाइज की तरफ जहाँ पे हम लेंगे 3 से 4 वेरिएशन। ट्राइसेप वर्कआउट की स्टार्ट मैंने की है रोप पुश डाउन से और ये हर बार की तरह मैं एक सुपर सेट ले रहा हूँ। सो इसमें रोप पुश डाउन के 15 रेप्स रहेंगे और तुरंत विदाउट स्टॉप मैं स्टैंडिंग में लगाऊंगा हम लोग के जो रॉड पुश डाउन है उसके 15 सेट। सो ओवरऑल 30 रेपिटेशन एक सेट में, ऐसे 3 सेट परफॉर्म करने वाला। और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज है, आप मेरे हर ट्राइसेप डे पे ये एक्सरसाइज को मुझे परफॉर्म करते हुए देखोगे बिकॉज इसका जो रिजल्ट है और जो पंप है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बहुत मज़ा आता है ये वर्कआउट करने में। हमारी जो सेकेंड वेरिएशन होगी वो होगी बिहाइंड द नेक डंबल पुश डाउन। सो इसमें हम लोग लेंगे 12 kg और 12 kg से ही तीनों सेट परफॉर्म करूँगा बिकॉज 12 kg से ज़्यादा वेट पे फिर शोल्डर पे प्रेशर होता है मेरे को। आज जुड़गड़ गुड़ लग रहा है इन द जिम। कौन सा गोला कितना वेट मार रहा है? 10 किलो है। हाँ चल मार, 30 किलो भी मार सकता है। देख नीचे से काली पैंट है, पीली हो जाएगी। और ऐसा पोज कभी नहीं रहेगा। मार चल, मार गलत मार रहा तो। पूरा गलत मार रहा, बिल्कुल भी सही नहीं मार रहा। ए चुप बैठा, अभी हमने कुछ नहीं किया, हट चलने कहेंगे। भाना जाता है, मैंने तुम्हें ना बैठ जाता नहीं है, भाना मार रहा है, चल करने कहेंगे। दिवाली कब है? पहले वर्कआउट कर, दिवाली कब है? नॉनसेंस, फोकस ऑन योर चेस्ट, स्लो एंड स्टेडी। 2 3 4 5 6 7 8 9 चिकन जल्दी मैं 10 मारता हूँ भाई। पीला चिकन नहीं गया अंदर, कुछ गीला गीला सा नहीं लग रहा है? गीला गीला ऐसे दिखा पोज कर। और कोई पोज आता है तुझे? आता रहेगा मेरे को देख के कर, मैं जो करता था वैसा कुछ पोज। तूने कई बार वीडियो लिया है, क्या करता? ले 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 क्या करता था? और कुछ नहीं, ज्यादा हो गया। कितना पैसा कमाएगा मेरे नाम से? लो
तेरे नाम से, तेरे नाम से कोई पैसा दे देगा वो बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, जिम से वर्कआउट खत्म करके आ चुका हूँ घर पे, और जो वर्कआउट स्प्लिट मैंने आप लोग को दो दिन पहले मेरे वर्कआउट में बताया था, मेरे वीडियो में बताया था सॉरी, वो स्प्लिट काफ़ी बेहतरीन स्प्लिट है। लाइक आज सूरज को भी वही सेम स्प्लिट मैंने फॉलो करवाया आज का दिन, जो चेस्ट एंड ट्राइसेप था। सो हमने चेस्ट के दो वेरिएशन लिए, हैवी फुल हैवी, एंड ट्राइसेप के तीन या चार वेरिएशन, मतलब जैसा आपको ठीक लगे वैसा हमने तो तीन वेरिएशन मारा। एक लास्ट में चौथा वेरिएशन था किक बैक, मैंने वो आप लोगों को नहीं दिखा बिकॉज जस्ट वो लाइट वेट से मैंने परफॉर्म किया था। और अभी फिलहाल आ चुका है हम लोग का प्रोटीन शेक, प्रिपेयर कर लिया वहाँ के फटाफट, अभी ये फिनिश करता हूँ, साइड बाय साइड कल वाली वीडियो एडिट करता हूँ, व्लॉग एडिट करता हूँ, रील्स एडिट करता हूँ, और फिर नहा के मैं मिलता हूँ आप लोग से ऑफिस निकलने। सुहाना सफर और ये मौसम हसन। सर गाइस, मैं और आसिफ भाई आए थे पेंटर के साथ ऊपर, एक्चुअली पूरे स्टोर को थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है, सो इस वजह से हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। चेक करो यहाँ पे पानी जमा हो के ना, सब लीकेज हो रहा है वहाँ वहाँ, फिर वो बोर्ड ख़राब हो गया है वो, और फिर यहाँ पे ये लीकेज है, देखो क्या हाल हो गया है, ऊपर पानी की टाँकी है, तो ये सब ठीक करवाने के लिए सब किया जा रहा है। फिर यहाँ की लाइटिंग ये हो गई, ये दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये चेक करो, ये लाइट बोर्ड पूरा टेढ़ा हो गया, यहाँ से नट टूट गया है, ये वाला सब काम करवाना है। बाकी वेदर बहुत ब्यूटीफुल हुआ है यार, चेक करो, सो गाइस आ चुका हम लोग का लंच, पनीर की सब्जी, दही, रोटी। तो चलता हूँ, लंच फिनिश करता हूँ। तो गाइस यार शाम के 7:30 बज रहे हैं, और मैं आया था ऊपर काम करने, थोड़ा सिस्टम पे पीपीटी क्रिएट करना था, सो वही पीपीटी की तैयारी कर रहा हूँ, फटाफट पीपीटी बनाता हूँ और नीचे जाके स्टोर पे जो काम है वो काम ख़त्म करता हूँ। पीपीटी बनाना है, एसओपी सब कंप्लीट करना है, नीचे कस्टमर्स भी देखने हैं, क्या क्या करूँगा, एक अकेला कितना काम करेगा। तो चलता हूँ फटाफट, ये पीपीटी बनाता हूँ, 7:30 बज रहा है, आधा घंटा लगेगा, नीचे जाके एसओपी चेकलिस्ट फिल करता हूँ, उसके बाद देखते हैं 10:30 बजे तक अपने पास टाइम ही टाइम, क्या क्या करते हैं क्या नहीं सब आप लोग को अपडेट करूँगा। फिलहाल ये पीपीटी पे फोकस करता हूँ और मिलता हूँ आप लोग से। सो हे गाइस, घर पे आ चुका हूँ फाइनली, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 11:50, 12 बजने को 10 मिनट बचे हैं। एक्चुअली हमारे स्टोर में होने वाली है विज़िट, आप लोगों को मैं बताता हूँ, और विज़िट होने वाली है हमारे सीईओ की, जो जर्मन से हमारे फेवर्स पुमा एक जर्मन ब्रांड है, सो वहाँ से वहाँ का जो मेन सीईओ है पुमा का वो आने वाले हैं, हमारे एमडी आने वाले हैं, सो उस वजह से हर स्टोर की जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्टोर मेंटेन नहीं है, पेंट निकला है, कहीं लीकेज की वजह से पपड़ी बन गई है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, पूरा स्टोर नीट एंड क्लीन टाइडी पूरा बनाना है, लाइटिंग्स वगैरह डिम है, कहीं की लाइटिंग बंद है, सो वो सब पूरा काम चल रहा है, सो इस वजह से इलेक्ट्रीशियन जो है गधे, पिछले दो दिन से उनको बोल रहा हूँ मैं कि आते हो आप दिन में, सुबह आओ कभी भी आओ, पूरा दिन लो आप लोग, लेकिन वो स्टोर क्लोज करने के टाइम पे आते हैं और
लाइट चेंज करना है, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है। आज फिर वापस वो MCB चेंज करने आए थे जो मेन पूरे स्टोर की UPS में पावर देती है बैटरी बैकअप में, उसका स्विच टूट गया था, वो स्विच चेंज करने आए थे। और वो चेंज करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, मैं स्टोर से निकला ही हूँ मेरे ख्याल से 11:05 को 11:10 को, सो लेट होना ही था घर पे आते हो, तो लकीली टाइम पे ट्रेन मिल गई, अदरवाइज़ ट्रेन लेट आती और 10 मिनट में और 10 मिनट लेट घर पे आता। सो चलता हूँ अभी फ़िलहाल अपना जो डिनर है वो फिनिश करता हूँ। यहाँ पे है सोयाबीन फ्राइड राइस, साथ में है अपने फ्राइज, फिंगर फ्राइज, और ये रायता। सो चलता हूँ फटाफट अपना ये जो डिनर है फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ। सर गाइस, खाना पीना हो चुका है और 12:30 बजने वाले हैं। आप लोग को क्या ही बताऊँ, मेरा मैं बल्क पे चल तो रहा हूँ सिर्फ नाम के लिए, वीडियोस में मैं बोल रहा हूँ मैं बल्क पे हूँ, मैं खुद जान रहा हूँ मैं बल्क पे हूँ, मेरे दोस्त जान रहे हैं मैं बल्क पे हूँ, लेकिन वेट बढ़ ही नहीं रहा है, मैं स्टक हो चुका हूँ एक वेट पे। हालांकि मम्मी पापा के गाँव जाने से पहले मैं एक अच्छे खासे वेट पे था, 66 kg पे था, लिटरली आपको गाइस बोल रहा हूँ मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, अभी के मुकाबले अभी जितनी है। मेरा साइज़ फोर आर्म्स चेस्ट सब कुछ कम हो गया है, 4 किलो कम हो गया, मैं अभी 62 पे आके फंस चुका हूँ। सो धीरे धीरे डाइट ट्रैक पे आ रही है, अब फालतू का खाना नहीं खा रहा हूँ मैं, जो भी खा रहा हूँ वो हाई रिच इन हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स ही हो रहा है, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं कि नॉर्मल सब्जी खा लिया जिससे जस्ट विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह मिले, ऐसा नहीं है। सो मैं पूरी फोकस कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कार्ब्स और कैलरीज को इनटेक करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो चल रहा है, पूरी कोशिश है कि होपफुली एक महीना बचा है, 1 से 1.5 महीना मेरे 1 नवंबर को मुझे दिवाली से पहले एनी हाउ 70 तो एटलीस्ट टच करना है, नहीं मैं 75 टच कर पा रहा हूँ तो, और 8 किलो गेन करना है, आई डोंट नो कैसे होगा बट जो भी होगा करना पड़ेगा मुझे बहुत जल्दी। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी रहेगा। बाकी आज दिन भर की कोई खास अपडेट है नहीं, स्टोर में काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में आजकल, पिछले 2-4 दिनों से बिकॉज हंसी मजाक चल रहा है, मस्ती मजाक चल रहा है, काफ़ी काम हो रहा है। सो देखते हैं, लेट्स सी, इसी तरह फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहेगा तो हम काम करते रहेंगे अच्छे से। और अभी फिलहाल चलता हूँ, सोता हूँ, मिलूंगा आप लोग से कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।